सुपौल जिले के सुपौल प्रखंड के लौकही पंचायत के वार्ड 7 में प्रगति बाल विकास योजना एक संस्था है जिसमें गरीब निर्धन असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। संस्था के डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि इस संस्थान में पंचायत के हर एक वार्ड में मिनी विद्यालय खोला जाता है। हर केंद्र पर सहायिका एवं सेविका का चयन किया जाता है। वहीं उपस्थित ग्रामीण एवं प्रतिनिधि ने कहा कि प्रगति बाल विकास योजना में हम लोगों के गरीब निसहाय वर्ग के बच्चे में शिक्षा का विकास भी होगा। उपस्थित ग्रामीणों ने कहा, सुनते हैं खास बातचीत। सर, ये प्रगति बाल विकास परियोजना फाउंडेशन जो है, इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है तो इसमें है बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और भोजन की व्यवस्था है, और प्रत्येक वार्ड में इसका जो है मतलब ये संस्था अपना केंद्र खोलती है। तो इस संस्था के बारे में आगे आपके, जैसे आपके इस वार्ड में जो जो ये गांव है, इस गांव का थोड़ा नाम बताइएगा, उसके बाद जो है इस वार्ड के बच्चे के बारे में अपने क्या क्या मतलब राय देना चाहेंगे, उसकी जानकारी। देखिए, जहाँ तक प्रगति बाल विकास योजना फाउंडेशन की बात है तो हम ग्रामवासी को इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप लोग के द्वारा जो ये संस्था के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में जो आप ये सेंटर चलवाने का जो है आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। कारण ये है कि हम लोग के ग्रामीण स्तर में काफ़ी शिक्षा का अभाव भी रहता है, और जो एक यहाँ पे जो केंद्र पहले से आंगनवाड़ी केंद्र चलता है उससे सारा मेंटेन नहीं हो पाता। खास करके आपका फाउंडेशन अगर निश्चित रूप से अगर हर वार्ड में एक एक केंद्र अगर खोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण को काफ़ी सहयोग मिलेगा। क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको भोजन का भी दिक्कत होती है, साथ ही पढ़ाई का भी उसको जो है समस्या होती है। हमको जो जानकारी हुई है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से उसको निःशुल्क शिक्षा, खाने का भी व्यवस्था, साथ ही साथ तो उसको स्वच्छ रखने के लिए जो है सोच कैसे शौचालय जाना चाहिए, कैसे सोच ऐसे रोड पे नहीं करनी चाहिए, ये सारी शिक्षा आपके माध्यम से दिया जाएगा। तो हम पूरा ग्रामवासी इससे बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी वार्ड में अपना ये फाउंडेशन जो है ये केंद्र खोलिए, जिसमें हम लोग का पूरा सहयोग है। सर, अपना परिचय दीजिएगा। यहाँ मेरी माँ मुखिया है, सभी के मुखिया है, हम उनके छोटे लड़के हैं जो कि हम प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये लोखा पंचायत जी। प्रखंड कौन सा पड़ता है? सुपौल प्रखंड। प्रखंड सुपौल में? सुपौल प्रखंड जी। और ये वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 5 है। ओके, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। R9 भारत के लिए चंदन ब्रजक की रिपोर्ट, सुपौल बिहार से। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 मानसी से जिला परिषद सदस्य के रूप में विक्रम यादव की पत्नी जूली देवी चुनाव लड़ रही है, जिसका चुनाव चिन्ह पर्स छाप है। शनिवार को जूली देवी ने पूर्वी ठाठा, पश्चिम ठाठा, सैदपुर, अमनी, बलहा पंचायत का दौरा कर हमारे खगड़िया संवाददाता सुमलेश कुमार यादव को बताया कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने जनता से आशीर्वाद के रूप में पर्स छाप के सामने वाले बटन को दबाकर जूली देवी को अपार मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया, ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। वहीं विक्रम यादव ने कहा कि उनकी पत्नी जूली देवी बेलदौड़ से भी चुनाव लड़ चुकी है, जहां जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया था और वो दूसरे स्थान पर है। वहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 की जनता पर्स छाप के सामने वाले बटन को दबाकर जूली देवी को प्रथम स्थान देने का मन बना चुकी है। जूली देवी को जिला परिषद सदस्य बनाने के लिए जनता गोलबंद हो गई है। वहीं उनके साथ भाई संजय यादव, रंजीत कुमार, जितेंद्र पंडित, श्याम सुंदर शाह, संतोष पंडित, रंजीत कुमार मौजूद रहे। मैं सुबलेश कुमार यादव, R9 भारत खगड़िया। आज हम खगड़िया जिला के मानसी प्रखंड आए हैं, जहां क्षेत्र संख्या 8 से विक्रम यादव की पत्नी जूली देवी चुनाव लड़ रही है। आज वे अपने क्षेत्र का दौरा कर रही थी, तो हमने उनसे कुछ चुनाव मुद्दे पर चर्चा करना सोचे। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि उन लोगों का क्या करना है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और आपका क्या है चुनावी मुद्दा? हम जूली देवी जिला परिषद कैंडिडेट मानसी 8 से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम बलहा घूरे हैं और इस बार जनता ने मूड बना लिए हैं कि हमको जिताएंगे। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और मेरा चुनाव चिन्ह है पर्स छाप,
जनता मालिक से अनुरोध है कि मुझे पर्स छाप पर वोट दे और विजयी बनावे। तो अभी आपने जूली देवी का सुना कि दो नंबर में उनका पर्स छाप है और जनता मूड भी बना चुकी है कि उनको अब की बार विजय उनको बनाकर ही छोड़ेंगे। आइए हम उनका पति विक्रम यादव से बात करते कि उनका क्या कहना है इस पर। सर आप बताइए, आप किस किस पंचायत घूमे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं पांचों पंचायत घूमा हूँ। मैं ठाठा से, पूर्वी ठाठा से अभियान में चुनाव अभियान शुरू किया हूँ और अमनी तक गए। जनता का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जनता मूड बना ली है कि अब की बार युवा के हाथ में बागडोर देंगे, युवा जनता का सेवा करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, कितना नंबर? मेरा चुनाव चिन्ह जूली देवी का चुनाव चिन्ह लेडीज पर छाप दो क्रमांक संख्या दो पर है। अच्छा, आप जनता से क्या मांग करते हैं? जनता से हम सहयोग मांग करते हैं, जनता से हम आशीर्वाद मांगते हैं, जनता हमको आशीर्वाद दे, विजय बनावे। बेलदौर से भी चुनाव लड़े थे, वहाँ पर कैसा रहा? वहाँ की तो जनता हमें भरपूर मदद की, वहाँ हमको 7,000 वोट आया। हम जनता के आशीर्वाद प्यार पर खड़ा उतरे, सहयोग। खगड़िया से सुमलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के पंचायत चुनाव के सातवें चरण को लेकर जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा सख्ती दिखाते हुए कहा गया कि सातवें चरण के पंचायत चुनाव में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठे चरण के चुनाव को विधि सम्मत शांतिपूर्ण पूरा कर लिया गया। सातवें चरण के चुनाव में कोई गड़बड़ी की गई तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पंचायत में चुनाव होना है, क्या तैयारी चल रही है? सातवें चरण के लिए सोमवार को 15/11/2021 को 10 पंचायतों के लिए चुनाव होगा, जिसमें कुल 282 पदों के लिए चुनाव होगा। 72,062 लोग इसमें मतदान करेंगे, जिसमें 37,373 पुरुष हैं, 34,725 महिलाएं हैं। कुल 138 केंद्रों पर ये मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से 78 गश्ती दल बनाए गए हैं और 152 पोलिंग टीमें बनाई गई हैं, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी होते हैं। रिजर्व में भी काफ़ी संख्या में लोगों को रखा गया है। हम लोग पूरी तरह से कृतबद्ध हैं कि जिस प्रकार से पिछले चरणों में हम लोग ने शांतिपूर्ण मतदान करवाया था, इस प्रकार इस चरण में भी इसी प्रकार से हम लोग मतदान करवाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मतदान में हम जिस तरह से तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि बोगस वोटिंग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरा, ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक नवाचार है। तीसरा, ओसीआर तकनीक से हम लोग काउंटिंग करा रहे हैं, तो काउंटिंग में भी जो दिक्कतें होती थी वो भी अब नहीं होंगी। काउंटिंग भी उप विकास आयुक्त के द्वारा देखी जा रही है, डायरेक्टली अपने दिशा निर्देश में वो करवाते हैं। और ओसीआर कैमरे जो लगे रहते हैं हर ईवीएम को वो देखते हैं और रियल टाइम में इसकी विभाग के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो हम लोग कृतबद्ध हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मतदान हो। मेरी जनता से यही आग्रह रहता है, पूर्व में भी आपके माध्यम से बात होती है, कि देर इंतज़ार ना करें, शुरुआत में ही आके अपना मतदान कर दें, क्योंकि मशीनों से मतदान होता है, देरी से होने की संभावना रहती है, तो जल्दी आए मतदान करें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से एक रहती है कि आप लोग बोगस वोटिंग के लिए अगर कोई भी उकसाता है, कुछ भी कहता है, बोगस वोटिंग में ना जाएं, क्योंकि बोगस वोटिंग में आप पकड़े जाएंगे, बाद में आप पे कार्रवाई होगी, आपको बहुत तकलीफ होगी। तीसरी बात, बिना भय के और बिना लालच के आप मतदान करें और किसी भी प्रकार की शिकायत होती तो कंट्रोल रूम के नंबर है, मेरे व्यक्तिगत नंबर भी आपके पास में है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और हम मूवमेंट में रहते हैं चुनाव की पूर्व संध्या में और चुनाव के दिन में, तो हम स्वयं भी जाकर उस समस्या को अटेंड करेंगे जो आपकी तकलीफ है। आप बिना भय के और बिना लालच के वोट करें, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व में भाग लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।